सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगर आप यहां रहें तो हमारी खुशी में इजाफा होगा। आप जब तक चाहें कायम कर सकती हैं। मैंने इस गद्दार को महल के खुफिया दस्तावेजात वाले कमरे से निकलते हुए देखा है। ये वहां से भाग रहा था। मैंने नक्शा हासिल कर लिया है, मुझे बचाओ और नक्शा ले लो। रोजनामचा चुरा लिया उन्होंने। क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब उन्होंने चुरा लिया है? उसने कहा कि नक्शा मेरे पास महफूज है, लेकिन उसके लिए आपको पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। इकलामे के लिए हमने खुद को छुड़वा कर हेकलर को बताया था कि नक्शा हासिल कर लिया है, वो हमें बचाने की कोशिश करेगा। आफरीन। वो आदमी जिसे आपने सुल्तान के हुजूर पेश किया हमारा आदमी है। अब आप उसे महल से बाहर निकालेंगे। यानी उस रोज नामचे में तताब लाली की लिखाई है, ऐसा ही है ना? जवाब दो मुझे। हाँ जी हाँ। सालेहा सुल्तान का इस महल से जाना जरूरी है, और इसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। तो ठीक है, जो जी में आए करें आप। वो भाग गया। देखते हैं कि यहाँ मुझे बचाने के लिए कौन आएगा, कौन गद्दार है मालूम हो जाएगा। वो आदमी अब हमारे लिए काम कर रहा है पाशा, हमारे हुक्म के मुताबिक। मनियास हेकलर के साथ है, वो उनमें दाखिल होकर हमारे लिए मालूमात लाएगा। उम्मीद है बगैर इजाजत आए हो तो कोई माकूल वजाहत होगी। अहमद पाशा की तरफ से भेजा गया टेलीग्राम, वो खबरी सुल्तान के लिए काम कर रहा है। ये क्या कह रहे हो? अहमद पाशा ने बजाते खुद अब्दुल हमीद को ये कहते सुना है। ये कैसे मुमकिन है? मेरी आंखों के सामने गिरफ्तार किया था, जिंदान भेजा था। अहमद पाशा ने खुद को सुल्तान के सामने वफादार साबित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन हम जानते हैं हमें क्या करना है। मैं असलहे को नहीं छूता। अपनी रियासत की तरह। Thank you.
आ जाओ। रशीद साहब आए हैं जनाब। आने दो। आओ बैठो। तो रिहा हो गए तुम? आपको कुछ बताना चाहता हूं मैं। बताओ, सुन रहा हूं तुम्हारी बात। मुझे तजस्सुस है कि कैसे फरार हुए तुम। फरार नहीं हुआ मैं, जासूस बनने की पेशकश की गई मुझे। अब मैं हर मालूमात ला सकता हूं। और ये कैसे हुआ? बहुत आसान था। मैंने सुल्तान को कुछ मालूमात दी और ये भी बता दिया कि मनियास ने यहां पना ली है। मेरा एतराज सुनकर सुल्तान ने मुझे अपने लिए जासूसी की पेशकश की और मुझे यहां लाने के लिए यह जाली नक्शा दिया। मगर वो ये नहीं जानता कि मैं पहले ही असल नक्शा चुरा चुका हूं। बहुत खूब। शुक्रिया। बहुत खूब, अच्छा काम किया है। मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूं। मैं भी लजीज खाने को इंकार नहीं करूंगा क्योंकि जिंदान में से महरूम था मैं। ठीक है तो चलो साथ। हाँ वैसे तुम्हारा मसला हल कर दिया है। तुम दोनों जब चाहो पाए तख्त से जा सकते हो। यह तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ तो फिर आजादी का लुत्फ उठाओ। सुल्ताना। तहसीन पाशा, कैसे हैं आप? काफी अरसे से आपसे मुलाकात नहीं हुई, देखकर खुशी हुई हमें। मुझे भी सुल्ताना, आपकी महल आमद का सुनकर बहुत खुशी हुई। सुल्ताने मुअज्जम भी खुश हैं। शायद सुल्ताने मुअज्जम को हमारे यहाँ आने से ज्यादा खुशी नहीं हुई। सुल्ताना, सुल्ताने मुअज्जम दिल बर्दाश्ता हैं, उन्हें बेहतर होने में कुछ वक्त लगेगा। वो जल्दी उस वाकये को भूल जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारे लिए यही काफी है कि हम सुल्ताने मुअज्जम के साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं। दरवाजा खुलेगा, बस तुम उस पर मुसलसल दस्तक देते रहो। कब खुलेगा कौन जाने, लेकिन तुम उम्मीद का दामन ना छोड़ो और दस्तक देते रहो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। बजा फरमाया सुल्ताना। बाज़ औक़ात अगर किसी दरख्त की कोई मजबूत शाख टूट जाए तो हमें लगता है कि वहां दोबारा कभी फल नहीं आएगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसका जख्म भर जाता है और वहां एक नई शाख निकल आती है जो हरी भरी होकर फल देने लगती है। हमने भी उनके लिए फूल चुने हैं। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन सुल्ताने मुअज्जम को उन फूलों की खुशबू ज्यादा पसंद है जो वहां रखे हैं। आपको उनमें से भी कुछ शामिल कर लेने चाहिए सुल्ताना। ठीक है। हम सुल्तान अब्दुल हमीद की नजर में
मफरूर जरूर हैं, लेकिन पाया तख्ती गलियों में इस तरह आजादाना घूमना और आने वाले वक्त में तबाही के बारे में सोचना वाकई बहुत बहुत ही शानदार है। हाँ, अनकरीब ये जगह हमारी हो चुकी होगी और फिर अब्दुल हमीद यहाँ अपने कदम भी नहीं रख पाएगा। कुछ दिन पहले मैंने इनसे एक किताब मंगवाई थी, मैं लेकर आता हूँ। कैसे है वो किताब? आ गई? किताबें पढ़ने वाला बरतानवी सफीर? हाँ, सियासत अफकार का नाम है रशीद। चलो चलते हैं। तो बताओ मनियास, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सुल्तान मौज़म, ये फूल सालिया सुल्तान ने आपके लिए भेजे हैं, क्या मैं इन्हें आपकी मेज पर रख दूं? रख दीजिए। इनकी खुशबू बहुत मशहूर कुन है। ये खुशबू फूलों की भी है और भेजने वाले के खुलूस की भी है। सुल्तान मौसम, इसके अलावा सालिहा सुल्तान ने आपके लिए एक पैगाम भी भेजा है। शुक्रिया पाशा। मैं इजाजत चाहता हूं सुल्तान मौसम। हमारे दिल की ठंडक और हमारे सर का ताज सुल्तानी मौसम, आपकी भेजे हुए तहाइफ ने हमारे उदास दिल को बहुत तस्कीन बख्शी, तो हमने सोचा कि हम भी आपको कुछ तहाइफ भेजें। हमने आपकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए तहाइफ के बारे में बहुत सोचा, लेकिन हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था कि सुल्तानी मौसम की शायान शान कोई तोहफा तलाश कर सके। इसलिए आपकी खुशी की उम्मीद करते हुए हम आपको सिर्फ ये फूल भेज रहे हैं, इन्हें कबूल कीजिएगा। एक बार फिर आपको सुनने और आपकी ज्यारत की मुंतजर आपकी अहलिया सालिहा सुल्तान। मेरे सर के ताज, मेरे दिल का सुरूर, सुल्ताने मौसम। बीदार सुल्तान क्या ऐसे सुल्ताने मौसम को मुखातिब किया करती थी? बिल्कुल, हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ। काश कि हम दोबारा उन्हें एक दूसरे को मोहब्बत से मुखातिब करते देख पाए। आप जरूर ये होता देखेंगी। आगे क्या लिखे? हमें ऐसे दिलकश अल्फाज लिखने होंगे कि सुल्ताने मौसम फौरन उन्हें बुलवा लें। आपके साथ गुजारा गया वक्त ही मेरी जिंदगी का कुल असासा है और आपसे जुदा रहना मेरे लिए जहन्नुम के अजाब से बदतर है। मुझे फकत आपकी कुर्बत में ही करार नसीब होता है। मैं अल्तजा करती हूँ कि अब आप मुझे अपनी ज़ियारत और सोबत से मजीद महरूम ना रखें सुल्ताने मौसम। आलिया, ये तो बहुत खूबसूरत अल्फाज है। अगर आप ऐसे लिखे तो किसी का भी दिल जीत सकती है, लेकिन हम ऐसा क्या लिखें कि खत वालिदा ने भेजा है ऐसा लगे। ये आप हम पर छोड़ दें, आज हम पैरा जाएंगे। ठीक है, फिर लिखना शुरू करते हैं। लजीज खाना, बहुत लजीज है। आपका शौक वाकई बहुत अच्छा है। जनाब हेकलर, क्या पाया तख्त में इस तरह की जगह जाने के लिए सफीर होना जरूरी है? ऐसी जगह मालूम होने के लिए एक सफीर होना काफी नहीं है,
तो फिर? दरअसल इसके लिए ज़ौक का होना बहुत जरूरी होता है। बात सुनो, हिसाब ले आओ। बात सुनो। जी जनाब। हिसाब ले आओ। अभी लाता हूं। शुक्रिया जनाब। तुम दोनों से बाद में मुलाकात होगी, क्योंकि इस वक्त मुझे एक बहुत जरूरी काम से कहीं पहुंचना है। मुझे भी अखबारात तकसीम करने हैं। बगावत के लिए नौजवानों के अफकार को भड़काना काफी जरूरी है। मुझे भी अब सिफारत खाने जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। देख नहीं सकता मगर महसूस करके तस्दीक कर दूंगा। तिजोरी नंबर 9, तीसरा खाना। आप अंदर जा सकते हैं। सुल्ताने मौसम, जापान में मौजूद जासूसों ने खुफिया टेलीग्राम के जरिए एक खबर भेजी है। जापान ने रूसी बंदरगाह पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है। वो हमले के लिए आखिरी हुक्म के मुंतजर हैं। क्या रूस में मौजूद जासूसों की तरफ से कोई खबर मिली है? मैंने मालूमात की है सुल्ताने मौसम, रूसियों के हवाले से कोई तैयारी नहीं। शायद रूस को ऐसी कोई तवक्को नहीं है। इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कर सकते। क्या रूसियों को मुतनब्बे कर देना चाहिए? नहीं, फिलहाल हम किसी मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना ही किसी के साथ अपनी हिमायत जाहिर करेंगे। लेकिन रूसियों को इस जंग में मात नहीं होनी चाहिए। वो क्यों सुल्ताने मौसम? हमें दो दिहाइयों से रूसियों की मुखालिफत का सामना है। जंग में शिकस्त उन्हें कमजोर कर देगी सुल्ताने मौसम। पाशा, सियासत 2+2=4 की तरह कोई वाज़ह बात नहीं है। अगर रूस को मशरिक में शिकस्त हुई तो
वो अंदरूनी दबाव की वजह से मगरिब यानी फिर वो रोमेलिया की तरफ जाएंगे, इसलिए रूसियों को शिकस्त नहीं होनी चाहिए। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, आपने बजा फरमाया। वैसे हमारा रूसियों के हवाले से क्या मौकफ होगा? अगर अहमद नूरी मैसन लाज से बरतानवी और जापानी इत्तेहाद को साबित कर देने वाली कोई दस्तावेजात हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम रूसियों को इस बारे में आगाह कर देंगे। हमारा मकसद यह है कि बरतानवी हुकूमत मैसन तंजीम के लिए अपनी हिमायत करना छोड़ दे। हम किसके साथ हैं, रूसियों के या जापानियों के साथ? जापानियों का साथ देना चाहिए हमें। दोनों ममालिक को आपस में लड़ने दें, ताकत के तवाजुन को बिगड़ने दें। तवाजुन जितना बिगड़ेगा हमें इससे उतना ही फायदा होगा। बदकिस्मती से तवाजुन के बिगड़ने से हमें कोई फायदा नहीं होगा फर्नांडिस साहब। इस वक्त रूस में इनकलाबी तहरीक की हवा चल रही है और इस इकदाम से रूसी शहंशाह को यह महसूस होगा कि उसे जापान के खिलाफ हर सूरत फतह हासिल करना होगी। अगर फतह हासिल ना कर पाए तो वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि इनकलाबी तहरीक जोर पकड़ेगी और उन्हें तख्त से माजूल कर दिया जाएगा, इसीलिए उनका गालिब आना जरूरी है उनके लिए। और अगर उसे शिकस्त हुई तो? हम दरअसल यही तो चाहते हैं मेरे अजीज भाइयों कि रूसियों को शिकस्त हो ताकि उन्हें मात दी जा सके। ये सब करके हमें क्या फायदा होगा? फायदा, अगर रूसी जंग में गालिब ना आ सके तो फिर वो अपना रुख दोबारा बलकान की तरफ कर देंगे और आप सब तो जानते हैं कि हमारे खेल आखिरी पर्दा का दारोमदार बलकान पर है और यही वो बात है जो दरअसल हमारे मफाद में है मेरे अजीज भाई सलीम पाशा। इसीलिए हम अभी जिन दस्तावेजात पे काम कर रहे हैं उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करना होगा। क्या उन्हें आपकी बात पर यकीन आ गया? जी सुल्ताने मौजम, नक्शे हासिल करने के बाद उसने कहा कि वो खाने पे जा रहा है तो हम भी उसके साथ चले गए। फिर क्या हुआ? पहले हम किताबों की दुकान पर गए, उसने सुर्ख जिल्द वाली किताब खरीदी, फिर हम एक तामगा गए और खाना मंगवाया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, खाने की रकम अदा करते वक्त उसने किताब मेज पर रख दी और हिसाब के साथ एक कागज लाया गया जिस पर उभरे हुए नुक्ते बने हुए थे, क्या ऐसा ही है? जी सुल्तान मौसम। क्या किसी और मेज पर भी वैसी कोई किताब थी? हमने गौर किया तो हमें एक और मेज पर भी वैसी ही किताब नजर आई, लेकिन इसका सबब नहीं जान सके हम। फिर हैकलर हमसे अलग हो गया, हमने ताकुब किया और जान गए कि वो कहां गया है। अंधी तिजोरी, हम समझे नहीं सुल्ताने मौसम। अंधी तिजोरी, हैकलर अपनी तमाम जरूरी चीजें एक अनोखी तिजोरी में रखता है। आपको यूरोप के कई दूसरे ममालिक में भी ऐसी तिजोरियां देखने को मिलेंगी, सिर्फ खास लोग ही इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तिजोरी किस किस्म की है? इस तिजोरी की चाबी हर रोज तब्दील की जाती है। तिजोरी का मालिक किताब फरोश के पास जाता है और हर बार एक मुख्तलिफ किताब का नाम उसे बताता है और फिर वो किताब लेकर तामगा में दिखाता है और इसी हिसाब के साथ उस दिन की चाबी उसके हवाले कर दी जाती है। और कागज पर उभरे हुए नुक्ते क्यों होते हैं? क्योंकि जिस शख्स के पास तिजोरी की चाबियां होती हैं वो अंधा होता है। सार्फिन की शनाख्त छुपाने के लिए ऐसा किया जाता है। सार्फ उस अंधे शख्स को वो कागज दे देता है, अगर इशारा दुरुस्त हो तो उसे चाबी दे दी जाती है और वो अपनी तिजोरी खोल सकता है। हैकलर की तिजोरी खोलना बहुत मुश्किल है, अगर हम तामगा पर छापा मारे तो? वो मर जाएंगे मगर अपनी चाबी नहीं देंगे। तिजोरी पर छापा मारने का भी फायदा नहीं, वहां मामूर शख्स की भी ऐसी ही तरबियत होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, लेकिन हमें ये कैसे मालूम होगा कि हैकलर उस दिन कौन सी किताब तलब करेगा? हमें हैकलर की कलीज जाननी होगी, मगर ये कैसे मुमकिन है? हम उससे ये भी नहीं पूछ सकते कि वो किताब फरोश से कौन सी किताब तलब करेगा, वो कभी नहीं बताएगा। वो बताएगा, जरूर बताएगा बेटा। तहसीन पाशा, हुक्म कीजिए। फौरी तौर पर हैकलर साहब को तलब कीजिए। जैसा आपका हुक्म। और इसी दौरान हम अपनी मंसूबा बंदी कर लेते हैं बेटे।
सांस लो, खांसो। आप इसके क्या लगते हैं? ये बच्चा हमें गली में मिला था, हम इस पर तरस खाकर यहां ले आए। इसे सर्दी लगी है, मुकम्मल आराम की जरूरत है। अगर ये यतीम है तो इसे यतीम खाने भेज दीजिए, वरना मजीद सेहत बिगड़ सकती है। परेशान मत हो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है, जो आप बेहतर समझे। खुदा हाफिज। शुक्रिया। आराम करो। तुम्हारी मां भी इसी तरह भागी थी अली उस्मान, उसने अपनी बगावत की वजह से मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। अब मैं उस तकलीफ का अजाला तुम्हारे जरिए करना चाहता हूं। भांजे, ये मुझे लगने वाला आखिरी जख्म है। वैसे ये इतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी आखिरी है। ये जख्म भरने से पहले मैं उसके जिस्म को ऐसे कई जख्मों से भर दूंगा। चले जाओ यहां से, फौरन निकल जाओ। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम से रहने वाले शहरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा? तो फिर गलीस और पादरी साहब के घर पे छापा मारने का क्या मकसद है? लगता है कि तुम्हारा भी तरीका दूसरों से मुख्तलिफ नहीं। हम यहां तुम्हें अपना तरीका दिखाने के लिए आए हैं। तुम सब लोग यहां से फौरन चले जाओ, हमारे तरीके पर बात मत करना, वरना तुम सब अपने कदमों पर नहीं जाओगे। ये वो रोजनामचा है जो तुताब लाली नेहवान के लिए रखा हुआ है। मुझे उसकी ईमानदारी और तरीके पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए इस रोजनामचे को हासिल करना बहुत जरूरी था। बस इसी वजह से मैं कलीसा गया। तो रोजनामचा हासिल करने के बाद तुमने पादरी के घर पर हमला क्यों किया? रोजनामचा हासिल करने के बाद मालूम हुआ कि मेरा बेटा अगवा हो गया। मैं पादरी के घर ये जानने के लिए गया था कि मेरे बेटे को अगवा करने वाला शख्स कहीं वो तो नहीं है, और इस रोज नामचे में मौजूद एक राज को हल करने के लिए उसकी जरूरत थी। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि तताव लाली नामी बदबख्त और उसका खास कातिब पादरी साहब अपने हिसाब से तुम पर भी जुल्म कर रहे हैं। तताव लाली ने तुमसे गैर कानूनी काम करवाए और फिर उन कामों के जरिए तुम्हें धमकाया। उसने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को जिंदान में डलवा देने की धमकी दी ताकि तुम और तुम्हारे आदमी उसकी इताअत करें, और देखो तुमने भी उसकी इताअत की। लेकिन अब तुम सब अपनी मजबूरियों में किए गए किसी भी काम के जिम्मेदार नहीं हो। लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि तुम रियासत और कौम के सिवा कभी भी और किसी की भी इताअत नहीं करोगे। तीन का ऐवान अब खत्म हो चुका है। उस ऐवान में किए जाने वालों की आड़ में होने वाले तमाम जराइम का लदम करार दिए जाते हैं। अब हर एक शख्स आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारेगा। तुम सब हलाल काम करोगे। अगर किसी को कोई मसला, परेशानी या शिकायत हो तो जैसे अभी यहाँ आए हो वैसे ही आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा तुम्हें। समझ गए मेरी बात? शुक्रिया, लेकिन ये क्या है? एक छोटा सा तोहफा। ये किस लिए है? आप लंदन रेल से जाएंगे या बहरी जहाज से? आप जानते हैं कि इस तरह के सफर में तबीयत बोझल हो जाती है या आपको सफर में पुरसुकून रखेगी? सामान तो बांध लिया होगा आपने। मैं
मेरे ख्याल में आपको गलत इतला मौसूल हुई है सुल्तान मौज़म, मैं कहीं नहीं जा रहा। यकीनन आप अभी अपनी रवानगी के बारे में नहीं जानते, हम आपको इस बारे में पेशगी मुतला कर रहे हैं। सुल्तान मौज़म, अपने फराइज निभा रहा हूँ मैं, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे फराइज से माजूल किया जाए मुझे। किया है जनाब हेकलर, जापानी रूसी बंदरगाह पर हमला करने वाले हैं। तो ये खबर आप तक पहुंच गई है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि पाया तख्त में बरतानवी सिफारत खाने का इससे क्या ताल्लुक है। इसका इस्तांबुल के सिफारत खाने से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक बरतानिया जापान इतिहाद के बारे में जानने वाली मेसन तंजीम से है, और आप भी तो एक मेसन हैं हेकलर साहब। क्या आपको हैरत हुई है? नहीं, यानी आप ये बात कैसे जानते हैं? मुझे नहीं मालूम कि आपको ये मालूमात कैसे और कहां से मिली है। ये मेरे लिए बहुत हैरान कौन है, इत्तेहाद के बारे में कैसे जान सकते हैं? हम उन तमाम राजों से वाकिफ हैं जो मजबूत किलों और खुफिया तिजोरियों में छुपाए जाते हैं। सुल्तान मौज़म, अपनी जुर्रत के लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन आप मुझे फंसा रहे हैं, मगर मैं आपकी चालों में नहीं आऊंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो जाना चाहूंगा मैं। आप सुल्तान मौसम, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या आप ये सफीर अंधी तिजोरी में जाकर देखेगा कि वो दस्तावेजात वहां मौजूद हैं कि नहीं? हमने उसके सामने कह दिया। हम देखेंगे पाशा, देखेंगे। बच्चा कहाँ है? आराम कर रहा है वो। क्या कहा? जिन आदमियों को आपने अशरफ पर हमला करने के लिए भेजा था, उन्होंने हथियार डाल दिए। मैंने उन्हें जाती तौर पर हुक्म दिया था, वो हथियार कैसे डाल सकते हैं? अशरफ ने आपका रोजनामचा दिखाया और कहा कि आपके पास अब कोई ताकत नहीं। हम उन्हें देख लेंगे, तुम अपने सब आदमियों को जमा करो। कोई भी नहीं है तताफ लाली। तो फिर तलाश करो, जाओ। लंगड़े भेड़िए की पैरवी कौन करेगा? अशरफ ने मेरी साख छीन ली, मेरी ताकत छीन ली, मेरा असर रसूख। मुझे वो रोजनामचा वापस लेना है। हम सौदा करेंगे, रोजनामचे के बदले बच्चा। भाई खामोश क्यों है, कुछ तो बोले। तबीब ने कहा है कि उसे आराम करने की जरूरत है। आपने बच्चे के लिए तबीब को बुलाया? क्योंकि वो पीला पड़ रहा था। मिका, मिका तुम अजीब तरह से पेश आ रहे हो। अशरफ हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है। मैं जा रहा हूं, सौदे के लिए अशरफ को पैगाम भेजूंगा। मैं तुम्हें उसकी जगह और वक्त के बारे में बता दूंगा। मिका, तुम बच्चा लेकर आओगे? ठीक है, ठीक है। यहां क्या हो रहा है? तामीराती काम हो रहा है जनाब। मुझे अंदर से किताब लेनी है। मुश्किल है जनाब, यहाँ से दाखिल नहीं हो सकते। पिछली तरफ से एक और दरवाजा है, आप वहाँ से चले जाएं। नहीं, उस दरवाजे से नहीं जाऊंगा मैं। सामने से हटो, यहीं से जाना है मुझे। अगर हमने आपको जाने दिया तो हर कोई यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, काम रुक जाएगा हमारा। आप पिछली तरफ से दाखिल हो सकते हैं।
कैसे हो? ठीक हूँ। सामने की तरफ काम हो रहा है? जी, इत्तेफाक से। माफी चाहता हूँ, सब कुछ फैला हुआ है। हमने सिर्फ इसे आपकी वजह से खोला है। क्या मदद कर सकता हूँ? मिहाइल अलेक्जेंडर बकुन इंतशार, लेकिन सुर्ख जिल के साथ। ये आपको किस जुबान में चाहिए? रूसी जबान में सुर्ख जिल्द में नहीं है वो? बिल्कुल है, मैं भी लाता हूं। हाइल अलेक्जेंडर वुजपकुन, आदाद शुमार और इंतशार सुर्ख जिल्द में। माफ कीजिएगा जनाब, आपने जो किताब तलब की है वो अभी दस्तियाब नहीं। क्यों? फराहमी में मसला है, हम आज इसे हल कर लेंगे। क्या उन्हें मालूम हो गया है या फिर हमला हुआ है? माजरत, आपको इस बारे में नहीं बता सकते हम। आप हिफाजत के लिहाज से परेशान मत हो, मामला कल तक हल हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, इंतजार करना होगा मुझे। जनाब हैकलर, क्या हुआ कहो? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अब्दुल हमीद, उसने मुझे गड्ढे में फेंक दिया है और मुझे मेरे इख्तिताम की तरफ ले आया है। क्या आप मुझे इसकी थोड़ी वजाहत देंगे? सुल्तान अब्दुल हमीद को मेरे गहरे राज का इल्म हो चुका है। फिलहाल मुझे इसका सिर्फ इम्कान है, या मेरे साथ खेल खेल रहे वो, या फिर वो मेरे साथ ऐसा मामला करने वाला है जिसके बाद मुझे मौत होगी। क्या आप जान नहीं सकते कि क्या मामला है? हाँ, मैं जान सकता हूँ, लेकिन कल मालूम होगा मुझे, वो भी तब जब आज रात मैं इस परेशानी से जिंदा बच पाया तो। सुल्ताने मौज़म, ये सालिया सुल्तान ने आपके लिए भेजा है। यहां रख दें इसे बेटा।
हम नहीं जानते कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है, लिहाजा हमने ये सभी तैयार करवा दी सुल्ताने मुअज्जम। लुत्फ़अंदोज़ हो। उम्मीद है कि ये आपके अल्फाज की तरह मीठी होंगी। आप मीठा खाने के बाद जो पानी पिए वो उतना ही ताजगी बख्श हो जितना आपके चेहरे को देखने के बाद हमारा चेहरा तरोताज़ा हो जाता है। उम्मीद है ये मिठाई आपको अच्छी लगेगी। मैं आपसे प्यार करता हूं आलिया। सुल्तान मौज़म, हमने वो दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। बर्तानिया ने मेसन को जो भी हुक्म दिया ये उनकी दस्तावेजात हैं। कैसा खत भेजा है? माजरत के लिए और उसमें महल वापस आने की दरख्वास्त भी जाहिर की है। इल्तिजा करता हूँ ऐसा मत कीजिए। आपसे वादा करता हूँ कि इसी वक्त पाए तख्त से चला जाऊंगा मैं। रहम कीजिए। सुल्तान मौज़म, अगर आप ये दस्तावेजात रूसी हुकूमत के हवाले कर दें तो हम आपके एहसान मंद होंगे। हमने आपको इसीलिए यहाँ बुलाया है।